बीएचयू में कोवैक्सीन रिसर्च के 10 लूप होल्स, सर्वे में नहीं थे नॉन वैक्सीनेटेड लोग, रिसर्च में 2-3 कैटेगरी जरूरी, पोस्ट कोविड बीमारियां भी इग्नोर। आईएमएस बीएचयू में जीरियाट्रिक विभाग के डॉक्टर शंख शुभ्रा चक्रवर्ती और उनकी टीम ने कोवैक्सीन पर एक रिसर्च किया। 1024 लोगों पर हुई स्टडी में उनका दावा था कि इसे लेने वाले यंग लोगों को 3 खतरनाक साइड इफेक्ट्स हुए, 4 की मौत भी हो गई। इस सनसनीखेज रिसर्च पेपर को अपने एक्स हैंडल पर डालकर डॉक्टर चक्रवर्ती ने देश भर में हंगामा मचा दिया। इसके बाद से वो सोशल मीडिया से दूर हो गए, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, वैज्ञानिक जगत से लेकर विपक्षी नेताओं ने इसे मुद्दा बना लिया। इस रिसर्च की जांच हुई तो सब कुछ फर्जी निकला। कुछ मिला भी तो ये कि टेलीफोनिक सर्वे के आधार पर ये रिसर्च पेपर छापा गया। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक से लेकर वायरस पर रिसर्च करने वाली देश की शीर्ष संस्था ICMR और BHU ने भी डॉक्टर को नोटिस भेज दिया। लीगल एक्शन लेने की भी कवायद चल रही है। वैज्ञानिकों ने अपना नाम जाहिर करने से किया मना। जब BHU के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से बातचीत की तो पता लगा कि किसी भी रिसर्च के जो सबसे जरूरी फैक्टर होते हैं वो ही इसमें नहीं दिखा। इस रिसर्च में कई लूप होल्स भी दिखे। हालांकि लूप होल्स बताने वाले वैज्ञानिकों ने अपना नाम जाहिर करने से मना कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिसर्च को BHU का कहने के बजाय BHU के डॉक्टर का रिसर्च ही माना जाए। लूप होल फर्स्ट, इस रिसर्च में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली थी, जबकि नॉन वैक्सीनेटेड और कोविशील्ड या अन्य वैक्सीन लेने वालों की कोई बात नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी रिसर्च को करने के लिए सैंपल यानी कि जिन पर रिसर्च हो रहा है उसे 2-3 कैटेगरी में बांटते हैं। इसमें एक कैटेगरी कोवैक्सीन लेने वालों की, दूसरी नॉन वैक्सीनेटेड और तीसरी कैटेगरी कोविशील्ड या अन्य वैक्सीनेटेड लोगों की। लूपहोल नंबर सेकंड, डॉक्टर ने अपने सर्वे में कोवैक्सीन वालों को ही शामिल किया जिससे रिसर्च में तुलनात्मक स्टडी नहीं हुई। जब नॉन वैक्सीनेटेड वालों का भी डेटा कलेक्ट करते हैं कि उनमें से कितनों को खांसी या सर्दी हुई, तब ना रियल डेटा निकल कर आता है। इस तरह से रिसर्च का पहला स्टेप ही भ्रामक हो गया। आमतौर पर हर दूसरे व्यक्ति को साल भर में 1-2 बार सर्दी या जुकाम हो ही जाता है। फोन पर बातचीत कर लोगों से ये पूछा गया कि कोवैक्सीन की डोज लेने के बाद आपको क्या क्या बीमारियां हुई। लोगों ने नॉर्मली अपनी समस्याएं बताई। किसी ने कहा कि श्वास को, किसी ने सर्दी की समस्या बताई। लेकिन सर्वे में शामिल लोगों से ये पूछा ही नहीं गया कि वैक्सीन लेने से पहले ये समस्याएं उनको कितनी बार आई हैं, उनकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है। जबकि बीमारी यदि नोट की जा रही है तो ये दस्तावेज जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि मुंह जुबानी कोई कुछ भी रोक बता दे उसे रिसर्च में शामिल नहीं किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बना रहे हैं AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।